शांति, सर्व आकर्षण मुक्त, संपूर्ण लगाव मुक्त, हद बेहद से पार जाने वाली पारस बुद्धि आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। भोलानाथ शिव बाबा क्यों आए हैं? हमारे सभी भंडारे भरपूर करने। बाबा आए हैं लुटाने। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लूट सकते हैं। चेक करेंगे कि हमारी झोली में कोई छेद तो नहीं, बुद्धि में कहीं लीकेज तो नहीं है। ये चेकिंग जरूरी है भरपूर, संपूर्ण और तृप्त बनने के लिए। आज की मुरली में बाबा ज्ञानवान निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां सुनाते हैं, हमारे उत्थान पतन की कहानी, उसका कारण और क्या निवारण है ये भी सुनेंगे। हम बच्चों को भगवान की पालना मिल रही है, हम ईश्वर की गोद में पल रहे हैं, तो अब हमें बाबा की गोद से रावण की गोद में नहीं जाना है। और याद रहे, रावण की गोद वास्तव में गोद नहीं है, शिकंजा है, पिंजरा है। सबसे बड़ा गुण कौन सा है जानने के लिए सुनते हैं आत्मा को सत्वप्रधान बनाने वाले परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, शिव का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। किनका होगा ऐसे जिन्होंने अपनी भंडारी और अपना भंडारा शिव बाबा के नाम किया है। भंडारा जहाँ भोजन बनता है और भंडारी जहाँ रुपए पैसे, हाँ, स्थूल संपत्ति है ना, धन करेंसी सब रखते हैं, तो भंडारी। चेक करना है कि हमने अपना सूक्ष्म और स्थूल सब कुछ शिव बाबा को समर्पित किया है, बुद्धि से समर्पित करना है, तब फिर बाबा वारिस बनकर, अभी संगम युगी वारिस शिव बाबा, फिर हमको बनाते हैं 21 जन्मों के लिए सतयुगी स्वर्ग का वारिस। बाबा को सब कुछ सौंप दिया तो सदा रहेंगे मालामाल, कभी भी नहीं होंगे कंगाल। कालकंटक, दुख पीड़ा अशांति सब कुछ दूर हो जाएगा। ज्ञान गुण शक्ति स्थूल धन खजाने सबसे हम संपन्न हो जाएंगे। आए हैं इसीलिए भोलानाथ शिव बाबा, तो जितना लूट सकते हैं लूट लें। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। आत्मा ऐसी सीढ़ी है कि उसमें जो एक बार रिकॉर्डिंग हो गई वो कभी भी घिसता नहीं मिटता नहीं, ना एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। 84 जन्मों का अविनाशी पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है। यदि ये बात हमें हमेशा याद रहती है तो हम ज्ञानवान हैं, नहीं तो जब यही नहीं पता कि हम आत्मा हैं और हम इस बेहद ड्रामा में पारधारी हैं तो बाकी और बातें भी बुद्धि में नहीं रहेंगी। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप या रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है, तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है, सबके लिए, फॉर ऑल, वन फॉर ऑल।
सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, बेहद ही शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबर वार सब बुद्धि में याद होना चाहिए, सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह तो बच्चों को याद है ना, सिवाय तुम बच्चों के और किसको यह बातें याद नहीं होंगी। बाबा तो इतने विश्वास से कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को ये याद होगा, याद रहती है हमें ये बातें, पता तो हमें है, जानकारी है हमारे पास, लेकिन याद रहता है। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे, हम उत्थान में थे फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। पहले उत्थान सतयुग त्रेता, पतन चालू हुआ द्वापर कलयुग, और अभी बीच में हैं संगम युग। शूद्र भी नहीं हैं, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो, पक्के ब्राह्मण हो तो फिर माया के अधीन नहीं हो सकते, शूद्रपने की एक्ट नहीं कर सकते, फिर तो एकदम परफेक्ट श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं, जब से काम चिता पर चढ़े हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे, ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो पक्का ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, समर सॉल्ट करते हैं ना, पैर और सिर एक साथ लगा के कैसे गोल गोल घूमते हैं, तो उसी तरह से बाबा ने बताया तुम ही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और फिर नीचे गिरते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाजोली का ये जो उदाहरण दिया बाबा ने, इससे तुम्हें बहुत इजी करके मैं समझाता हूँ, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। बिंदी है तो देखो हल्के हो गए एकदम, तो उड़ो फिर। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे, यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न कि शूद्रों के पास, देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं, कमियां हैं ना, यथार्थ पता ही नहीं है तो कैसे चित्र बनाएंगे। हर चित्र में बाबा कहते हैं कुछ न कुछ तो डिफेक्ट है ही, यथार्थ चित्र नहीं है। शिव बाबा का ज्ञान तो कहीं है ही नहीं, शिव बाबा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। एक्यूरेट बाबा आकर हमको एक्यूरेट ज्ञान देते हैं तो हम एक्यूरेट बनते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है, स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, किस लिए जाते हैं, कौन से स्कूल में, एम ऑब्जेक्ट का पता है ना, पता है हमें एक्यूरेट हम क्या बनने वाले हैं, एक्यूरेट अपना एम ऑब्जेक्ट पता है, पता है तो फिर चाल चलन भी वैसी होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कि जो चित्र हैं वो सब डिफेक्टेड हैं, और जो बनाए हैं चित्र उनका भी क्या अर्थ है नहीं समझते। जैसे कई पूछते हैं
कि राम को दाढ़ी नहीं दिखाते हैं और ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं। तो किसी ने उसका जवाब दिया कि राम भगवान हैं इसलिए उनके दाढ़ी नहीं है, और बोले ब्रह्मा की फिर क्यों दिखाया, तो बोले वो देवता हैं इसलिए। देखो अब किसी भी ब्रह्मा कुमारी से पूछो जो रोज मुरली सुनते हैं तो वो बता सकते हैं कि त्रेता वाले राम के पास भी दाढ़ी क्यों नहीं दिखाते, श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं दिखाते और ब्रह्मा के क्यों दिखाते हैं। कृष्ण और राम कब हुए, ब्रह्मा कब हुए, पता है ना? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम ही दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो अब सब कुछ मालूम है, भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यह थोड़े तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे फिर नीचे गिरे हैं, अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। कितने अडॉप्टेड हैं, आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है, तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। आसमान में देखो अनगिनत तारे छोटे छोटे दिखते हैं, तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। हमारा मर्तबा जो पद है वो बहुत ऊंचा है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे, शिव बाबा ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा चंद्रमा माँ, बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। हम सब क्या हैं, सितारे हैं। कैसे हैं, सबसे चमकदार सितारा हम। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो, हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतु प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है, कोई आत्मा पवित्र बन सतु प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। कर्म में चलो अपवित्रता नहीं है, लेकिन संकल्प ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए, पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता, पहचानते ही नहीं है। देखो हम बताएं कि भगवान आया है ब्रह्मा तन में माउंट आबू में, मानेंगे ही नहीं। विश्वास है, उम्मीद है कि आता है आएगा, लेकिन आ चुका है यही भगवान है फिर नहीं मानते। तो समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो, एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है, तीसरी कौन सी है, देवता मत। तो ईश्वरीय मत, देवता मत और मनुष्य मत। मनुष्य मत तो वही हो गई ना, असुरी मत। तो देवताओं को भी मत किसने दी, बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली, श्री श्री बाप को ही कहेंगे न कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा आकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते हैं तुमको मैं ऐसा लायक बनाता हूँ, उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है, श्री 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 1008, हाँ जगत गुरु सदगुरु परमानंद अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, देखो सब कहते हैं। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। आजकल तो देखो
रुपए पैसे देकर टाइटल खरीदे जाते हैं, डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं, टाइटल खरीदते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमोप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं, खुद को ही भगवान समझते हैं, मैं ही भगवान हूँ। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, न कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना, अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है, और कौन सा भंडार है? भंडारा सुन लिया, भंडारी भी सुन ली, और कौन सा भंडार है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो ज्ञान रत्न भी यदि हमारे अंदर धारण हो जाए, हम सदा भरपूर रहेंगे, तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और कोई भी परिस्थितियां हो, माया का विघ्न हो, सब दूर हो जाएगा, सबको हम पार कर लेंगे। तो बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। कल कहा हद और बेहद, तो सतयुग और कलयुग की बात थी। आज क्या है? बेहद में जानी चाहिए, मानो इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हो, परम धाम में हो, सारी हदों से पार, अपना घर, बेहद का घर। शिवधाम। तो बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, तख्त एक न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग अलग हैं, है ना, स्वभाव अलग, नेचर अलग, फीचर अलग। इनको कहा जाता है कुदरत, खुद रची हुई कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है, अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। देखो आजकल कितनी छोटी सी चिप आ गई है, कितना डेटा रहता है, उसी तरह से आत्मा भी इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। जो स्थूल चीजें भी हैं आजकल, वो भी इतनी सूक्ष्म बनने लग गई, छोटी बनने लग गई साइज में। तो बाबा कहते हैं इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो यहाँ ही पार्ट बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। कल कहा ना बाबा ने, तुम हो मास्टर नॉलेजफुल। तो ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, लेकिन सृष्टि का आदि मध्य अंत जानता हूँ, सबके मन की बात नहीं जानता। क्या अनुभव है, बाबा जानते हैं नहीं जानते हैं? बाबा कहते हैं यह नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। जिसने इस चक्र को जान लिया, सब चक्कर से परे हो जाएगा, चक्कर आना बंद हो जाएंगे।
इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे, अभी नहीं हो। आज भी ये मुरली चल रही है, मतलब अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं, खुद को ही चेक कर लें। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। हाँ, कैसी अकल है हमारी। भगवान की गोद से उतर कर हम रावण की गोद में चले जाते हैं। हीरो की गोद से उतर कर विलेन की गोद में कौन जाता है। बाबा कहते हैं कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। अब चेक करना है, हमें भ्रष्ट गोद की खींच तो नहीं होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। एक सेकंड का ही खेल है सब कुछ। एक सेकंड पहले तक सांस चलती है, अगले पल नहीं चलती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति और एक सेकंड में की कमाई चल। तो एक सेकंड में ही पूरी दुर्दशा भी हो सकती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। बाबा के साथ हैं और फिर छोड़ दिया बाबा को, तो हो गई दुर्दशा। जिस पल बाबा के साथ हैं खुशहाल हैं, बृहस्पति की दशा है, और जैसे ही बाबा को छोड़ा, मन बुद्धि से बाबा निकला, बुद्धि हटी, हो गई दुर्दशा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं, भाई बहनों को वापस लेकर आते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो, कितनी खिटखिट होती है। जहाँ तक है बाबा कहते एक दूसरे की पालना करो, समझाओ, कोई बाप को छोड़कर ना जाए। सबके जीवन में कुछ ना कुछ खिटपिट है, कोई चलता है, कोई दिल शिकस्त हो जाता है, कोई आना ही छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई डूबता है तो बचाने की कोशिश करते रहो। आजकल तो क्या है, देखा है ना, कोई डूब रहा है तो वीडियो बनाते हैं। तो हम भी ऐसे नहीं कि कोई डूब रहा है, बाबा को छोड़ रहा है तो साक्षी होकर देखें। अपना जो काम है एक बार बचाने का, संभालने का, बाबा कहते हैं वो करो, बाकी फिर बाबा ही कहते हैं, फिर तो उसकी किस्मत है कि वो किस मत पर चलता है। कौन किस मत पर चलता है उससे ही किस्मत डिसाइड होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम यह चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, भगवान उवाच तो जरूर है। बाबा तो कह देते हैं ऐसे ऐसे करो, उसमें भी अब कैसे कैसे नहीं करना है। हाँ, बाबा जैसे जैसे कहते हैं बस वैसे वैसे करना है। भगवान उवाच तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना, मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो, या बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत, ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं, कितने संस्करण निकल गए, कितने संशोधन हो गए, गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि, जिसने जैसे समझा उस तरह से फिर अर्थ निकाला, लिखा, ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है ना, श्रीमद् भगवद गीता, तो क्यों पढ़ते हैं इतना गीता। कहते हैं गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। तो सच्ची गीता तो मुरली है ना, बाबा ने सब कुछ बताया है हमें। तो समझते तो कुछ भी नहीं, पढ़ते हैं लेकिन बस कनरस है, समझते नहीं है, नियम प्रमाण पढ़ लेते हैं।
अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ शिव बाबा की सच्ची गीता, डायरेक्ट जो शिव बाबा ने चलाई मुरली, हम वो सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। तो हमें तो श्रीमत मिल रही है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो क्या किया, उनको नीचा दिखाने के लिए गीता को सबसे नीचे रख दिया, बाकी उसके ऊपर और धार्मिक पुस्तकें रख दी और कहा देखिए आपकी गीता जो है वो सबसे नीचे है। स्वामी जी ने क्या किया, गीता को नीचे से खींच दिया और सारे शास्त्र गिर गए। तो आधार है गीता, सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, उसमें ही है शिव भगवान उवाच। तो बाबा कहते हैं वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र नंबर वन। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म हैं, जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वह नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया हो, तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राजयोग है ना, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में जैनियों का मंदिर। बाबा कहते हैं महावीर, कौन है महावीर, जिसने माया को परास्त किया, वही है ना महावीर, जो कर्मेंद्रिय जीत बने, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रिय जीत जिनेन्द्र। तो बाबा कहते हैं तुम हो महावीर महावीरनिया, तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है, राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। जैनियों के मंदिर देखें और भी जगह देखें तो इसी तरह से हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, साधना में बैठे हैं और स्वर्ग का मॉडल दिखाया हुआ है जो छत पे बनाते हैं। ऊपर दिखाना है स्वर्ग ऊंची अवस्था, तो कहाँ दिखाएं, तो छत पे दिखाया तो सब समझने लग गए, देखो स्वर्ग ऊपर है, ऊपर है, बाकी उच्च अवस्था की बात है। तो राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या, यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है, फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है, यह मॉडल रूप में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। लगभग 1100-1200 साल पहले सेठ श्री विमल शाह ने, गुजरात के सेठ श्री विमल शाह, उन्होंने दलवाड़ा मंदिर बनवाया। माउंट आबू के पास में ही है, कुछ किलोमीटर दूर पे रणकपुर भी है जैनियों का मंदिर, वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो कभी भी अवसर मिले मधुबन जाने का तो ये सब मंदिर देख सकते हैं, अपनी यादगार देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है, आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, कल्प की शुरुआत। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। आदि संगम को कहो या सतयुग को कहो, पहला जन्म तो यही है ना द्विज। तो बाबा कहते हैं चाहे संगम को कहो चाहे सतयुग को कहो, संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो संगम युग पर तपस्या साधना और ऊपर छत में दिखाया स्वर्ग हमारी प्रारब्ध। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो, अंत को तुम देखते हो, अंत तो सामने ही देख ही रहे हैं।
या सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टे रास्ते चले जाते हैं। आत्माभिमान से देह अभिमान आ जाता है। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है, यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं। देखो देवी देवताओं की कैसे चित्र भी दिखाए हैं, विकारी चित्र भी दिखाए हैं, खजुराहो में, जगन्नाथपुरी में, तो वो भी यादगार है। तो बाबा कहते हैं यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियां हैं, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, जितनी भी यादगार बनाई है बाबा कहते हैं एक्यूरेट है, लेकिन समझाने वाला कोई भी सही मिला नहीं। 2500 साल तक भक्ति में करते आए, पूजा अर्चना जब तक, लेकिन इसीलिए समझ नहीं थी तो गिरते आए। बाबा अब आकर हमें यथार्थ समझ देते हैं, अर्थ बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमने गलती की है। पासवर्ड कहें तो बाबा के आने से ही मिलता है ना, खुल गया ना बुद्धि का ताला। तो बाबा कहते हैं यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियाँ हैं, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वह अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। यह सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम ही जानते हो। स्थापना विनाश और फिर पालना कैसे होता है, बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना, लेकिन जानते नहीं है। अभी है अंधियारी रात, ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। तो ब्रह्मा आत्मा वही, जब दिन में तो दाढ़ी नहीं, रात में आ गए कलयुग में, अभी विकारी पतित बन गए दाढ़ी। तो ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें, अब है तो एक ही आत्मा। ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का, वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है, यह भी पूरा याद नहीं कर सकते। पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं, जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान, भारत का हाल देखो भी क्या है। बाबा कहते हैं वही सतो प्रधान वही तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है, यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं, अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड, अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने हैं। दैवी कर्म कब होंगे, जब खुश रहेंगे ना तो अपने आप अच्छे कर्म होते हैं। खुश कब होंगे, जब बाबा और मुरली से जुड़े रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना, डूबने वालों को भी बचाना है। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। हमारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं हा? किसी न किसी संबंध को लेके, संबंधियों के बारे में एक कारण ये भी है ना? तो फिर अच्छा क्या है कि सारे संबंध बाबा से ही जोड़ लें, अपने आप संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अपना कोई स्वभाव संस्कार है उसके अधीन हो रहे हैं, हार खा रहे हैं, तो माया कैसे संकल्प देती है और कि अरे ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, अभी तो समय है, कर लेंगे, अभी संपूर्ण बने नहीं हैं, इतनी तो कमजोरी रहेगी, चलता ही है। तो बाबा कहते हैं कि यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं, बीमारी और बढ़ने लगती है। देखो आजकल कहते हैं ना छोटी मोटी बीमारियों, कहते हैं ये तो नॉर्मल है, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, बीमारी तो बीमारी है ना। छोटा सा घाव भी देखो, नहीं समय रहते इलाज करो तो नासूर बन जाता है। नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा करते रहे, छोटी बीमारी भी कितनी बड़ी बीमारी बन जाती है, संक्रामक रोग हो जाता है। तो कोई भी कमजोरी को, बीमारी को, अपने आसरी स्वभाव संस्कार को व्यर्थ संकल्प देकर पक्का नहीं करना है। तो अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। बाबा कहते हैं ऐसा होता है, बड़े भी ऐसा करते हैं, संपूर्ण नहीं हुए हैं, ये सब का आधार मत लो और शिव बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव बढ़ाओ और एक बाबा से ही सच्चा स्नेह हो। और प्यार, प्यार तो कोई भी बीमारी को ठीक कर देता है ना, तो सच्चा स्नेह होगा तो कैसी भी बीमारी हो, कमजोरी हो, सब ठीक हो ही जाएगी। आया ही बाबा इसीलिए है, हमारे सारे कालकंटक दूर हो जाएंगे, भंडारा भरपूर हो जाएगा। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। तो खुद से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट हो मिलना चाहिए और परिवार से भी, लौकिक अलौकिक परिवार और शिव बाबा से। हमें देखकर क्या अन्य आत्माएं कह सकती हैं ये सदा संतुष्ट हैं, या हमारी अभी भी कुछ चाहना है, भंडारे भरपूर नहीं हुए हैं क्या? शिव बाबा आ गए, भोलानाथ आ गए, उनके आने के बाद में भी यदि भंडारा भरपूर नहीं है तो फिर कैसा है ये भंडारा, कौन भरपूर कर सकता है, ये आज चेक करना है, सोचना है, इस बारे में विचार सागर मंथन करेंगे। आज की मुरली से 5 शब्द हैं, भरपूर भंडारा, पहली बात भरपूर भंडारा, दूसरा ज्ञानवान, तीसरा
भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोद, चौथा सच्चा स्नेह और पांचवा संतुष्टता। ओम शांति। सांस तुमने बच्चों पे है।